हम लोगों को अक्सर रेलवे ओएची मास्ट यानी खंभा पर इस तरह के सिग्मा लिखे बोर्ड दिखाई देता है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर सिग्मा बोर्ड क्या होता है और रेलवे इसे प्रयोग में क्यों लाता है। हम लोग जानते हैं कि ठंड के मौसम में, खासकर उत्तरी भारत में, कुहासा बहुत ज़्यादा ही पड़ती है। इस घने कोहरे के कारण ट्रेन के लोको पायलट को रेलवे सिग्नल को दिखने में कठिनाई होती है। कहने का मतलब है कि दूर से रेलवे सिग्नल स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, जिसके कारण ट्रेन के सिग्नल ओवरशूट यानी ट्रेन द्वारा सिग्नल को लाल में पास कर जाने की घटना कोहरे के मौसम में बढ़ जाता है, जिसके कारण ट्रेन एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो रेलवे ने इन्हीं समस्याओं से कुछ हद तक निजात पाने के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे ओएची मास्ट पर सिग्मा बोर्ड लगाने का निर्णय लिया गया। अर्थात सिग्मा बोर्ड रेलवे के चालक को बताता है कि आगे नज़दीक में रेलवे सिग्नल है और आप सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। हो सकता है आगे के सिग्नल लाल होगा और आपको वहाँ रुकना भी पड़ सकता है। कहने का मतलब है कि सिग्मा बोर्ड चालक को चेतावनी देता है कि आगे नज़दीक में सिग्नल है और आप सावधान हो जाएं। सिग्मा बोर्ड एक आयताकार बोर्ड होता है, यानी रिक्टेंगुलर टाइप का बोर्ड होता है, जो गहरे नीले रंग का होता है। यह बोर्ड एक रिट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप का बोर्ड होता है। रिट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप यानी जब इस बोर्ड पर कोई लाइट या प्रकाश पड़ता है तो यह लाइट पुनः वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी परावर्तित कर देता है। कहने का मतलब है कि लाइट पड़ने पर पूरा चमकता है। तो इस पर पीले यानी येलो फ्लोरोसेंट रंग से ग्रीक अक्षर सिग्मा लिखा रहता है। येलो फ्लोरोसेंट कलर से इस पर ग्रीक लेटर सिग्मा लिखा रहता है। यह बोर्ड रेलवे के ओएची मास्ट पर लगा होता है और इस सिग्नल बोर्ड से 2 ओएची मास्ट की दूरी पर रेलवे का स्टॉप सिग्नल लगा होता है। कहने का मतलब है कि रेलवे स्टॉप सिग्नल से 2 ओएची मास्ट की दूरी, अर्थात 200 से 250 मीटर की दूरी के पीछे की ओर, यानी 200 या 250 मीटर पीछे की ओर डिस्टेंस पर यह सिग्मा बोर्ड लगाया जाता है। सिग्मा बोर्ड उसी क्षेत्र में लगाया जाता है जहाँ घने कोहरे के कारण सिग्नल ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको पहुँच सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और उससे भी अच्छा लगे तो कमेंट कर शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, धन्यवाद, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक।